देखिए चिराग पासवान जी का जो स्टेटमेंट आया है अब उससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। चिराग पासवान जी अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी भूल गए हैं कि 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी का क्या हश्र हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर में जब भी वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो उनका हश्र उनको पता है। देखिए अब चूंकि विधान परिषद का चुनाव आना है तो अपने पार्टी के टिकट की कीमत बढ़ाने के लिए चिराग पासवान जी ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वो बहुत नजदीक है, इसलिए इस तरीके का अनाप शनाप बयान देते हैं। क्योंकि अब बिहार में स्थानीय निकाय से विधान परिषद के चुनाव होने हैं इसलिए अब अपने टिकट को बेचने के लिए वो इस तरीके का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान जी को पता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा, क्या हुआ था और किस तरीके से जो उन्होंने टिकट बेचा था, तो जो टिकट खरीदने वाले लोग हैं आज कहां हैं और विधान परिषद में अब टिकट खरीदार उनको नहीं मिलेगा।